हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही टेक्निकल वीडियो लेके आता रहता हूं। आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब सारा होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले या कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले या IT में पढ़ने वाले सारे हमारे वीडियो देख के पाइथन, PHP, जावा या जावास्क्रिप्ट सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम करने जा रहे हैं कि जो इमोजी होता है ना, जो आपने आपको यहाँ पे आ जाए, आप दिखा दूँगा आपको। जैसे कि आप इस वेबसाइट पे विज़िट करें, मैं ये वेबसाइट जो है आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, अभी आप देखिए ये सब सारा साइन होता है ना, तो आपके प्रोग्राम में क्या होता है कि कभी कभी आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो वहाँ पर ये साइन भी यूज़ करना होता है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो आपको यहाँ से जवन सा भी चाहिए आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने पाइथन के ज़रिए। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए इसका नाम से एक फाइल बना लेते हैं पहले अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा फाइल बना लेता हूँ पहले। तो फाइल बनाने के लिए क्या होता है, पहले टच लिखना होता है। टच के बाद में क्या लिखना होता है, उसका नाम, जो आपका फाइल आप नाम देना चाहें। मैं यही नाम लिख देता हूँ, सिंपल सा, आप जो चाहें वो दे दें। चलिए देखिए, यहाँ पे बन गया। अब मैं इसको यूज़ कर लूँगा, ओपन फाइल, इमोजी आ गया। अब आपको इसमें से कौन सा यूज़ करना है आप देख लीजिए, जो भी आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपको, मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। आप इसको कॉपी कर लीजिए आसानी से, इस तरीके से कॉपी हो गया। अपने विजुअल स्टूडियो में आइए, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे है। तो सिंपली आप पहले आप सिंपली वही करिए जो आपको करना है, प्रिंट करिए। उसके बाद में आप उस जो आपसे वहाँ से कॉपी किए उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और जो भी यहाँ प्लस साइन होगा, प्लस को आपको कैंसिल करना है, उसके जगह पे आपको 3-0 रखना होगा। अब यू से भी पहले एक स्लैश चिन्ह लगाना होगा, कंट्रोल ले से दबाइए। उसके बाद में यहाँ पे आइए, अपना पाइथन जो है उसको रन कर लीजिए एक बार। पाइथन इमोजी .py, आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंट हो गया। इस तरीके से अगर आपको और प्रिंट करवाना है तो दूसरा वाला कॉपी करके आते हैं, एक कोई भी यहाँ से, जो भी आप चाहें, कोई भी एक कर लेते हैं, ये वाला कॉपी कर लीजिए इसको। सिंपली विजुअल स्टूडियो में आइए, पेस्ट करिए, जहाँ भी प्लस होगा 3-0 से रिप्लेस कर दीजिए प्लस को। इससे पहले एक स्लैश लगा दीजिए, कंट्रोल दबाइए, इसको फिर से आप करिए, देखिए आपको दो आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से जितना है ना, जिसको भी चाहे आप प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ से, जितना भी है देखिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में इन सबको प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए, आज का इतना ही था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आता रहता हूँ। चलिए, मेरे यहाँ VPN का प्रॉब्लम है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे VPN चाहिए होता, मैं नेपाल में नहीं हूँ, मैं अभी चाइना में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे VPN चाहिए होता तभी मेरे जाके यूट्यूब खुलेगा। तो चलिए, मैं आपको अपना ये चैनल नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। तो आप अगर अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत बहुत ही यूजबल मिलेगा आपको, कि कंप्लीट इंजीनियरिंग का पूरा ही कोर्स आपको मिलेगा, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सारा बनाने के सिलसिले से आपको कंप्लीट ही मिलेगा। तो आप इस अभी तक नहीं किया है मेरा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वादा करता हूँ आप बहुत जल्द ही एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।